हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रॉपर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मास और उसके सिंबल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी ने उसको याद कर लिया हो और उसको सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। यानी कि इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। डेट इज़ केपेबल एंड इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस, जो कि अपनी जो है इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है सभी प्रॉपर्टीज़ में। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डैट सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अपनी जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम नोट करके कोई चीज़ यहाँ पे लिखी वो हम देखते हैं। देखिए, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं जिसमें 3 एटम होते हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जिसमें 4 एटम्स होते हैं। पेंटा एटॉमिक उनको कहते हैं जिनमें 5 एटम्स होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स डैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर डैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी कि ये जो ग्रुप होता है इनका, या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का होता है और ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में, और जिसमें जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है दोनों के बीच में। अब हम अगला देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के, वो या तो सेम एटम, वो सारे के सारे सेम एटम के होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली 1 एटम नोन एज मोनोएटॉमिक। और जो मॉलिक्यूल्स कुछ एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक एटम जो है कंटेन यानी रखते हैं अपने पास, उनको कहते हैं मोनोएटॉमिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम नोन एज डायएटॉमिक। और जो एलिमेंट्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा एटम रखते हैं और उनको कहते हैं डायएटॉमिक। अब हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिसिटी। यानी कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होना किसी भी एलिमेंट में, उसको जो हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफिनेट प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में जॉइन करते हैं किसमें, डिफिनेट प्रॉपर्टीज़ में, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और वो क्या करते हैं, एक जो है मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आज हमने इतना ही समझा। अब हम अगले वीडियो में आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।